कैसे कह दूँ कि मुलाकात नहीं होती है, मिलते रहते हैं मगर बात नहीं होती है। कैसे कह दूँ कि मुलाकात वाह। इसमें हमने उसके बारे में बात की है जो आपके दिल के पास है। इसमें जिक्र उसका ही है। इसमें हम आपके दिल के पास के जो इमोशंस है जिनको आप महसूस नहीं कर पा रहे, उनको हम आपके दिल से निकाल के आपको महसूस करवाना चाहते हैं। जगजीत सिंह साहब अपने स्टाइल में गाते रहे और लोगों के दिलों पे छा गए। हर एक फनकार अपने स्टाइल में गाता है और कोशिश करता है कि वो भी वही काम करे जो उन्होंने किया है। यहाँ काकवली जी की कोशिश है और कहाँ तक ये कामयाब हैं एल्बम सुनिए और बताइए। एक नाम कहना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने भी अच्छा गाया है उन्हीं को हम उन्हीं को हमने सुना है। और एक आर्टिस्ट के लिए मेरे लेवल पे सभी को गुरु मानना ही सही रहेगा, सभी से कुछ ना कुछ तो सीखूँ कि कहीं तो पहुँच जाऊँ। आपने जैसे कहा कि जगजीत जी ने गज़ल को एक बुलंदी पर पहुंचाया, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और भी कई सिंगर हैं, तो जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफ्ताब है। और ये अभी नई सिंगर हैं और इनका एल्बम अभी आ रहा है, अब लोगों से कितनी मोहब्बत मिलती है, मिलनी चाहिए। There is Kshitish Dale, there is Abhas Shreyas, Abhinav. I am so glad. I went and googled and I said, yeah, because I am not from this field, maybe this research is right, and it turned out to be right. देखिए ये सब कहानी बनाई जा रही है, मैं आपको सच्ची सच्ची कहानी है। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे गए थे अपने टेस्ट कराने इनके पास, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, चेकअप कराने गए थे कि मामला क्या है, मेरी तबीयत कोई इतनी बिगड़ी नहीं जाती है, क्योंकि कुछ काम ही ऐसे करते हैं कि तबीयत बिगड़ जाती है। कभी काकोली जी का एल्बम बनाते हैं, कभी श्रेया बनाते हैं। By the way, my majority patients are pregnant patients. तो गए तो इन्होंने पूछा कि आप हर साल हम एक कॉन्सर्ट करते हैं खजाना के नाम से। उस कॉन्सर्ट का मकसद यही है कि गजल के नए जो फनकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया जाए और उनको उनका तारुफ लोगों से, मुंबई के सुनने वाले या गजल सुनने वाली ऑडियंस से उनका तारुफ कराया जाए। अनूप भाई भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है खजाना प्रोग्राम। मुझे एल्बम में तो अनूप जी को मैंने बहुत एक्चुअली दो ये मुझे बहुत एज अ स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनसे बहुत डरती हूँ, फिर भी उन्होंने एक बार खुद कह दिया कि ठीक है आपके साथ, I'm agreeing to sing with you. So that itself was a, you know, very fortunate moment in my life. काकुली बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें अनूप जी जैसे गुरु मिले, उनका साथ मिला। अनूप भाई को मैं आज नहीं लेकिन 1978 से मेरी पहचान है और मैं और अनूप भाई इस संगीत की दुनिया के बहुत सारे सालों के जिसको कहें कि वी आर विटनेस टू ऑल दीज मेनी मेनी इयर्स ऑफ म्यूजिक। यस, तो इन 40 सालों में हमने जो देखा उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अनूप जलोटा जी एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने किसी को मना ही नहीं किया, हमेशा सबके साथ खड़े हुए, हमेशा सबको मदद की, हमेशा
सबको एनकरेज किया और यही वजह है कि आज काकुली के साथ मैं वीडियो देख रहा था और ये भी अप्रिशिएट कर रहा था कि 40 साल के बाद भी उनकी आवाज वैसी की वैसी है, उनके गाने का अंदाज वैसा है और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस वीडियो में जो गाया है काकुली के साथ वो काबिल तारीफ है। इसके जब कंपोजिशंस मैंने सुने थे दीपक जी ने कंपोज किए गाने तो मुझे काकुली ने सब सुनाए और मुझे बहुत अच्छे लगे सब कंपोजिशन। तो उसके बाद ये बात की कि चलो एक इसमें डुएट भी करते हैं, बाद में वो ऐड हुआ, नहीं तो पहले यही बात थी कि इनका पूरा एल्बम बनाया जाएगा, लेकिन इनको लगा कि चलो इसको भी चांस दे दें तो ब्रेक दिया करते हैं। और पता नहीं वो ब्रेक क्यों नाम रखा, ब्रेक में तो इंसान रुक जाता है और ब्रेक शब्द जो है ठीक नहीं, उसको कुछ चेंज करेंगे, कुछ नया सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन इन्होंने मुझे फिर इसमें ऐड किया और ऐड करने से ये हुआ कि मैंने भी इसका मजा लिया। गजल भी बहुत अच्छी, मशहूर गजल के दीपक जो है वो इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हु इज रियली फिनोमिनल। जब वायलिन की बात आती है तो वायलिन में वो लाजवाब है, जब म्यूजिक अरेंजमेंट म्यूजिक, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था गजल सिंफनी के नाम से, तो व्हेन इट कम्स टू अरेंजिंग द होल सिंफनी ही इज आउटस्टैंडिंग। तो दीपक इज रियली अ वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट। इन शॉर्ट ये सब कहने की वजह ये थी कि काकुली इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिला और उसके साथ साथ एक ऐसी म्यूजिक कंपनी टाइम्स म्यूजिक कंपनी जिसने गज़ल, हम सब जानते हैं कि भारत की एक परंपरा है, गज़ल जो है वो हमारी संगीत का जो इतिहास है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। बड़ी खुशी होती है कि जब नए फ़नकार आते हैं और अपना जादू, अपनी खूबसूरती, अपना खूबसूरत गाना जब आपके सामने पेश करते हैं। इस एल्बम में भी कुछ ऐसी ही बात है कि बहुत ही ताज़ा आवाज़ है, बहुत ही एक सुंदर अंदाज़ है और मैं समझता हूँ कि गज़ल की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है जो काकुली जी का है। और मैं दुआ करता हूँ कि इनका ये एल्बम बहुत बहुत मशहूर हो, बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो। आपने कहा कि रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जी जी जी, रफ्तार वापस वो कैसे बढ़ेगी? नहीं, ज़रूर जब नए फ़नकार आएंगे, जब नए फ़नकार एक डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो मुझे ये यकीन है कि गज़ल जो है वो उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से चलती थी उसी रफ्तार से फिर गज़ल जो है उसका कारवां चल पड़ेगा। मेरा एक नया एल्बम बन रहा है जो फरवरी में आएगा और आप सबको मैं ज़रूर दावत दूंगा जब लॉन्च करूंगा तो। क्या नाम होगा उसका? नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है लेकिन अभी एक महीने के बाद उसको रिलीज़ करेंगे। जैसे आज हमने काकुली जी को सुना जी, और भी दूसरे जो फनकार होंगे आज के जमाने जी, कौन ऐसा गज़ल जो है सिंगर है जो आपकी नज़र से काफ़ी अच्छे हैं? और बहुत सारे नए फनकार हैं, बहुत सारे नए फनकार हैं जो गज़ल अच्छी गा रहे हैं और गज़ल जो है उस गज़ल जो है उसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ वो पेश कर रहे हैं, जिसमें श्रवणी चौधरी है, पूजा गायतोंडे हैं, मोहम्मद वकील हैं, बहुत सारे ऐसे नए कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, हम वेट करेंगे आपके आगे जी। आई एम अ बिग गज़ल फ़ैन, बचपन से ही मैं जगजीत सिंह जी को सुन सुन कर बड़ी हुई हूँ और आपको कहने की नीड ही नहीं है। और दीपक पंडित जी इज़ अ जीनियस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंपोजिंग, और वायलिन में तो वो उनसे बड़ा महारत मैंने नहीं देखा। ही इज़ एन अमेजिंग म्यूजिशियन एंड इवन बेटर ह्यूमन बींग, तो उन्होंने म्यूज़िक कम्पोज किया है तो अच्छा ही होगा।
जो मैं गा चुकी हूँ वो मैं बता सकती हूँ. आई सॉन्ग फॉर अ फिल्म कॉल्ड डिया माया, उसमें अनुपम रॉय का म्यूज़िक है जिन्होंने पीकू के लिए म्यूज़िक दिया था, तो वो भी आने वाला है. इरादा करके एक फिल्म है, उसमें मैंने नीरज श्रीधर के लिए गाया है, ही इज़ कमिंग एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, तो उसमें मैंने गाना गाया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.